बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। वैसे दिल्ली में एक सड़क है लाल नेहरू एवेन्यू। इस सड़क पर 5-6 मरले का एक छोटा सा सिंगल स्टोरी घर है। ये घर हिंदुस्तान के दूसरे वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री का था। हुकूमत ने शास्त्री साहब की वफात के बाद इस घर को म्यूजियम का दर्जा दे दिया। इस म्यूजियम में शास्त्री साहब की जाती इस्तेमाल की चीजें रखी हैं। लाल बहादुर शास्त्री को बचपन में सूखे की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी जिस्मानी ग्रोथ रुक गई। उनका कद 5 फीट से ऊपर ना जा सका और उनका वजन सिर्फ 39 किलोग्राम था। उन्होंने 1921 में सियासत में कदम रखा और वो 1966 तक सियासत में रहे। 45 साल की सियासी जिंदगी में वो कांग्रेस के चोटी के रहनुमा भी रहे, वो उत्तर प्रदेश असेंबली के रुकन भी रहे, वो लोकसभा के मेंबर भी बने, वो रेलवे के वफाकी वजीर भी रहे, वो सनत और तजारत के वजीर भी रहे, वो वजीर दाखिला भी बने, वो सीनियर वजीर भी रहे और वो इंडिया के वजीर आजम भी बने। लेकिन पूरी दुनिया में इस 5 मरले के घर के सिवा उनकी कोई जायदाद नहीं थी। उनके पूरे घर के फर्नीचर, बर्तनों और कपड़ों की मालियत 6411 रुपए थी। उनके पास सिर्फ एक कोट था और यह कोट भी उन्हें जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त गिफ्ट किया था जब वह वजीर तजारत की हैसियत से कश्मीर के दौरे पर जा रहे थे और उनके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था। यह कोट आज भी इस म्यूजियम में लटक रहा है। वह जब वजीर आजम थे तो वह जाती मसरूफियात के लिए सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते थे, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लिहाजा उन्होंने 13,000 रुपए में फीएट कार खरीदने का फैसला किया। इस फीएट कार के लिए उन्होंने 6,000 रुपए जाती जेब से अदा किए, जबकि 7,000 रुपए पंजाब नेशनल बैंक से कर्ज लिए गए। शास्त्री साहब बिस्तर पर खेस बिछाकर सोते थे। उनके घर में सिर्फ 2 बेड और बांस का एक 6 सीटर सोफा था और उनके बेडरूम का साइज 12x12 फीट था। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने और वो मौत तक इसी घर में रहे। लाल बहादुर शास्त्री का इंतकाल 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में हुआ था। उनके इंतकाल की वजह बहुत दिलचस्प थी। 10 जनवरी को उन्होंने सदर अयूब खान के साथ ताशकंद का मुआयदा किया। इस मुआयदे की खबर इंडिया पहुंची तो इंडियन मीडिया ने इसे लाल बहादुर शास्त्री की शिकस्त करार दे दिया। लोग बिफर गए और उन्होंने इनके घर के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। इस मुजाहरे की इतला उनकी बेटी ने उन्हें ताशकंद में दे दी। शास्त्री साहब ने इस खबर को इतना सीरियस लिया कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो ताशकंद ही में मर गए। फौजाब लाल बहादुर शास्त्री की कहानी से 2 चीजें साबित होती हैं। एक, मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं करते जब तक उनकी क्यादत लाल बहादुर शास्त्री की तरह सादगी, खलूस और ईमानदारी का मुजाहरा नहीं करती। और 2, अगर सियासतदान हसास हों, ये दर्द दिल रखते हों, तो इनके लिए पब्लिक ओपिनियन या आवामी एहतजाज हार्ट अटैक की हैसियत अख्तियार कर लेता है।